जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तीनों की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी कामना हम तीनों देवताओं से करते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा का क्यों महत्व है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा धर्म है कि हम आपको उचित ज्ञान प्रदान करें और हर चीज का कारण बताएं, ताकि आप इस सनातन धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पर उतार सको। तो चलते हैं, मंगलवार और शनिवार को ही क्यों होती हनुमान जी की पूजा, इसका क्या महत्व है। तो शनिवार का मतलब हो गया ओम शम शनिश्चराय नमः, और मंगलवार का मतलब हो गया ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये दोनों ग्रह हैं। और हनुमान जी, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम रीम हनुमते राम दूताय नमः, या फिर हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण हो गया, इन मंत्रों का भी जप कर सकते। परंतु हनुमान जी की पूजा दो दिन ही क्यों की जाती है अधिकतर, तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी अधिक प्रसन्न होते हैं और इस दिन पूजन अर्चन को हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है तो इन संकटों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के देवता है हनुमान जी। सबसे बड़ी बात यह समझने का प्रयास करें कि कलयुग के देवता हैं। अब आपके ऊपर कोई भी संकट आया है तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और आज के जमाने में हनुमान जी हर तिराहे चौराहे पर, अधिकतर मंदिर हनुमान जी के ही मिलते हैं, तो इन्हें हर कोई व्यक्ति जानता भी है और यह भी जानते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। शनिवार और मंगलवार का दिन इनके पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्व सुख, सभी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए, रक्त विकार यानी मंगल दोष यदि हो तो, राज सम्मान प्राप्त करना हो, पुत्र प्राप्ति करना हो, तो मंगलवार का व्रत उपवास अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगलवार जो है उग्रवार माना जाता है, उग्र दिन होता है। तो इसमें मंगल ग्रह की वजह से यदि मंगल दोष होता है तो रक्त विकार मनुष्य में आते हैं, खून की बीमारी होती है, और यदि मंगल अच्छा होता है तो राज्य से सम्मान प्राप्त भी होता है, और मंगल की ही वजह से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। तो मनुष्य को यदि अपने को बीमारी से दूर रखना हो, सभी प्रकार का सुख प्राप्त करना हो, सरकार से सम्मान प्राप्त करना हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति करना हो, तो पूरी जिंदगी भर मंगलवार शनिवार का व्रत उपवास करते हुए हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और एक साल में एक बार अखंड रामायण का पाठ अपने घर पर अवश्य कराना चाहिए। अब मंगलवार के दिन बंदरों को यदि आप गुड़ चने खिलाते हैं, केले खिलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होती है, पीड़ा दूर होती है, और ऐसा करने से संकट भी दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और मंगलवार का व्रत करने पर गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि गेहूं जो है मंगल का प्रतीक माना गया है और गुड़ भी जो है मंगल का प्रतीक होता है। तो भोजन में जो है गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, मिर्ची नहीं खाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना चाहिए,
और मैं तो कह रहा हूं सुख समृद्धि शांति और अपना प्रगति चाहते हो तो पूरी जिंदगी भर मंगलवार शनिवार का व्रत उपवास करना चाहिए जब तक इस शरीर में जान रहती है। और इन दोनों मंगलवार शनिवार के व्रत से मनुष्य के काफी कुछ पिछले जन्म के पापों का नाश होता है। मैं तो कह रहा हूं करके देखो तो सही, आप करोगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। और जब भी व्रत उपवास किया जाए हनुमान जी के दर्शन करना ही करना है और हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए और खुद को भी लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। हम हनुमते नमः या हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का जप करने से हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः, ये मंत्र भी आप बोल सकते हो। और संकट आ गया हो तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस मंत्र को बोल करके हवन भी करना चाहिए। और हवन में जटामासी, खोपरा गोला, गुड़, चना, घी, काले तिल, जो इनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा सभी जानते हैं, सभी सनातन धर्मी चाहते हैं जानते हैं कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। उनके हृदय में हमेशा जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, यही निकलता रहता है। तो हनुमान जी के सामने राम धुन अवश्य गाना चाहिए खुद को, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ये अवश्य बोलना चाहिए कम से कम एक घंटे तक। राम नाम का मंत्र जो है ये पापों का नाश करता है और हनुमान जी की विशेष कृपा दिलवाता है। और श्री राम का गुणगान करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनके सामने सुंदर कांड का पाठ भी करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए, धूप दीप सिंदूर ये सब चढ़ाना चाहिए, परंतु सूर्य उदय के पहले करना चाहिए। हनुमान जी के प्रसन्न करने के लिए मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली का तेल का सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए, गुड़ चना चढ़ाना चाहिए और आटे से निर्मित एक रोट बनता है जो देशी घी में बनाया जाता है, उस रोट का भोग अवश्य लगाना चाहिए और प्रसाद वितरित करना चाहिए। मंगल शनिवार के दिन हनुमान जी मंदिर में जाकर राम भक्त हनुमान जी का गुणगान करना चाहिए, राम जी का गुणगान करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, बजरंग बाण का पाठ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना चाहिए और बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। इससे भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू और संकट दूर होता है। मंगलवार शनिवार के दिन समय निकाल करके हवन अवश्य करें और ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय, ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। यदि किसी मनुष्य को ऊपरी बाधा लग गई हो, नजर लग गई हो, काला दोष लग गया हो, हाय बद्दुआ लग गई हो, तो ये मंत्र है छोटा सा, इस मंत्र को पहले 108 बार जप कर लें और फिर हवन करना चाहिए 108 बार और पीड़ित व्यक्ति को अवश्य उस हवन में बिठाना चाहिए। ऐसे तो अगर शत्रुओं से मुक्ति पाना हो तो हनुमान जी के जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं इस मंत्र का जप करना चाहिए और हवन करना चाहिए।
ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु सहारणाय स्वाहा। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु सहारणाय स्वाहा। ये मंत्र से जप और हवन करने से शत्रु दूर हो जाते हैं। परंतु जो भी कार्य करें पूर्ण विश्वास के साथ करें, समर्पण भाव से करें, श्रद्धा भाव से करें और मन से करें। बाकी हनुमान जी की और भी मंत्र हैं कि अंजनी गर्भ संभूताय कपिंद सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमत रक्ष सर्वदा। और कोई आपके खिलाफ यदि कोई मुकदमा आ गया हो, किसी ने गलत मुकदमा आपके ऊपर कर दिया हो, तो मुकदमे में विजय लेना हो, वास्तव में आपके ऊपर गलत मुकदमा हुआ है, तो आप पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, इस चौपाई को बार बार बोल करके जप भी करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए। हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है तो ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धन समृद्धि के लिए भी हनुमान जी के कुछ मंत्र हैं, उनको भी आप चाहें तो जप कर सकते हैं। कार्य सिद्धि करने के लिए भी मंत्र हैं और सुंदरकांड का पाठ तो है ही। सुंदरकांड का पाठ करने से मनुष्य को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुंदरकांड हमेशा किसी मंदिर में जाकर के ही हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ही करना चाहिए। और जब भी सुंदरकांड करें, पूजा का पूरा सामान, पूजन सामग्री सब हनुमान जी को अर्पण करनी चाहिए। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का नाम लेने भर से बहुत सी बुरी ताकतें, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, भाग जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से 5 बार रोजाना पाठ करना चाहिए, तो इससे बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब हनुमान चालीसा तो सबको याद होना चाहिए, हिंदू सनातनियों को तो कंठस्थ होना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतीहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत राम। क्योंकि ऐसे ही इसको बोलने से दिल दिमाग में कंसंट्रेशन आ जाता है। तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड के साथ साथ अवश्य पढ़ना चाहिए, इससे मन को शांति भी मिलती है। और श्री रामचरितमानस यानी रामायण जी जो है उसमें हनुमान जी का बहुत अच्छा वर्णन सुंदर कांड में दिया गया है। इससे भी हनुमान जी की कृपा विशेष तौर से प्राप्त हो सकती है, आत्मविश्वास जगता है और हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का जो व्यक्ति पाठ करता है उसके बहुत सारे संकटों से उसे मुक्ति मिल जाती है, यानी पापों का नाश हो जाता है और अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। और हनुमान चालीसा का यदि स्वस्वर पाठ किया जाए, घर में भी, दुकान में भी, फैक्ट्री में भी, दुकान के उद्घाटन के समय पर भी, या महीने में एक बार करना ही करना चाहिए, तो इससे आपके घर के ऊपर, आपके दुकान के ऊपर या फिर आपकी फैक्ट्री के ऊपर, आपके व्यवसाय स्थल के ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने कोई तंत्र बाधा, काला जादू, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां छोड़ दी हो, तो वह सब शक्तियां उस स्थान को छोड़ करके भाग जाती है और आप सुखी रहने लगते हो। अन्यथा घर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक शक्तियां आ जाती है, परछाई दिखाई देने लगती है, तो तुरंत मनुष्य को रोजाना सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए पूरे परिवार वालों को मिलकर के, और हनुमान जी के नाम से हवन करना चाहिए।
हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम रीम हनुमते राम दूताय नम स्वाहा, ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस्त कप्रेम हसोम ओम स्वाहा, ओम अतुलित बलधामम हेम शेलाब देहम दनुजवन कृशानुनम ज्ञानिनाम गगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इन मंत्रों से आपको हवन करना चाहिए तो तुरंत ताजा ताजा यदि आपके ऊपर तंत्र बाधा ऊपरी बाधा काला जादू चौकी बैठ दी हो मूठ चला दी हो और रोजाना यदि 21 दिन तक आपने सुबह शाम ये करना चालू कर दिया तो किसी भी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं, किसी ओघड़ अघोरी को आपके घर पर ले जाने की आवश्यकता नहीं, खुद करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। घर के सदस्यों पर आए हुए बड़े बड़े संकट बहुत आसानी से टल जाते हैं, इसलिए मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में मंगल खराब हो, शनि खराब हो, राहु खराब हो, केतु खराब हो, यानी ये पापी ग्रह और दुष्ट ग्रह हैं, ये बुरे असर दे रहे हो, तो इनका असर भी हनुमान जी की पूजा पाठ करने से टल जाते हैं या बहुत छोटे रूप में निकलते हैं। शनि की साढ़े साथी हो, शनि की ढैया हो, इसके प्रयोग में तो विशेष तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि यह पूजा पाठ किसी हनुमान जी मंदिर में कर रहे हो तो हनुमान जी की प्रतिमा को सर्वप्रथम स्नान कराना चाहिए और चमेली के तेल से सिंदूर चढ़ाना चाहिए, देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश, शंकर पार्वती, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी को प्रणाम करके, अपने गुरुदेव को ध्यान करके, अपने पितृदेवों का स्मरण करना चाहिए, यानी जो 40 नाम हम बोलते हैं उन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी को मनी मन में ध्यान करते हुए सुंदरकांड का पाठ आरंभ करना चाहिए। जब सुंदरकांड पूर्ण हो जाता है तो हनुमान जी की कपूर से आरती करना चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और जो प्रसाद चढ़ाएं वो सब वहीं पर ही मौजूद लोगों में बांट देना चाहिए, तो आपके बिगड़े काम तुरंत ही पूरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप हनुमान जी की पूजा पाठ करके, हनुमान जी की सेवा करके बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हो। किसी भी एक शक्ति के पैर पकड़ लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। और हनुमान जी का कोई भी पूजन करें उसके पहले कम से कम, मैं जो एक स्तुति बोल रहा हूं हनुमान जी की, यह स्तुति 21 बार पाठ करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करोगे तो हनुमान जी आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। यह स्तुति इस प्रकार है जो मैं बोल रहा हूं, इसको बोलना ही बोलना है। हर मंगलवार हर शनिवार के दिन पूजा करने के पहले कह ही रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साथी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये वाली स्तुति बोलने से हनुमान जी को जागृत किया जाता है, और जब हनुमान जी जग जाते हैं तो आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं और आपका काम भी अवश्य करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को उनका स्मरण कराना पड़ता है कि आप के पास इतना ज्ञान है, आपके पास ऐसी बुद्धि है, आपके पास विवेक है कि आप ऐसा कोई सा भी काम नहीं है इस संसार का जो आप पूरा नहीं कर सकते। ये बोलना पड़ता है तब जाके हनुमान जी काम करते हैं। तो मंगलवार शनिवार के दिन आप पूजा पाठ करें हनुमान जी की, तो पूजा पाठ करने के पहले हनुमान जी मंदिर में जाकर के
यह स्तुति अवश्य गान करें 21 बार, इसको याद कर लो। नहीं याद कर सकते हो तो एक कागज पर लिखकर प्रिंट आउट निकाल करके लेकर के जाओ। यदि किसी को ये वाली स्तुति चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप करें, पूरा अपना नाम अवश्य बताएं, अपना पता अवश्य बताएं, ताकि हम आपका नंबर सेव कर सकें और आपको हनुमान जी से संबंधित और कोई जानकारी हो तो वह भी दे सकें। क्योंकि हमारा काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, और मनुष्य पूजा करता है तो वह सही तरीके से पूजा करे, सही डायरेक्शन में पूजा करें, ताकि भगवान तक वह पूजा लग सके। और हनुमान जी का पंचमुखी हनुमत कवच भी हनुमान जी की पूजा करने के बाद में हनुमान जी के सामने बैठ करके पाठ करना चाहिए। तो पंचमुखी हनुमत कवच भी होता है, एक मुखी हनुमत कवच भी होता है, जो आप पाठ कर सकते हो। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु सहारणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय सकल विषहराय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवारा है सकल संपत कराय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय उर्दु मुखाय हाय ग्रीवाय सकल जन वश कराय स्वाहा। इस प्रकार से इसको पाठ करना पड़ता है, दिग्बंध करना पड़ता है, और पूरा पाठ अब एक बार अवश्य करना चाहिए। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय वम 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 वो षट स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय फ्रम भ्रम 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 भट स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय लुम 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 आकर्षण सकल संपत कराय स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय धम 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 शत्रु स्तंभाय स्वाहा, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय टम 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 कुरमूर्ते पंचमुखी वीर हनुमते परतंत परमंत परतंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। तो ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति पंचमुखी हनुमत कवच भी चाहता हो तो देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन परिचय देकर के प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे, उसको किसी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष लगे नहीं, इसके लिए हनुमान जी की सेवा करते रहना चाहिए। जन्म पत्रिका में यदि किसी की चंद्र दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, राहु शनि की युक्ति हो, अष्टम भाव में राहु शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में राहु शनि की युक्ति हो, या राहु शनि की युक्ति कहीं पर भी हो, या फिर चंद्र राहु की युक्ति कहीं पर भी हो, तो ऐसे मनुष्य को हनुमान जी की ही सेवा करना चाहिए पूरे जिंदगी भर, ताकि वह सुखी रह सके। अन्यथा ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि इसे प्रेत दोष कहा जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम 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 नाम वरानने। यह मंत्र भी हनुमान जी के सामने अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार राम राम शब्द बोलने का मतलब है 1000 बार राम राम बोलने से के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यानी जब भी आप हनुमान चालीसा बोले तो उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यहां पर यह है, मैं पूरी हनुमान चालीसा आपको नहीं सुना रहा हूं, क्यों कि पूरी सुनाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो आपको उच्च स्वर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ताकि हनुमान जी सुन सके, और कम से कम 11 बार मंगलवार शनिवार के दिन अवश्य पाठ करना चाहिए, और हो सके तो एक बार हनुमान चालीसा का हर दोहे पर हवन करना चाहिए। कैसे?
कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति हुलोक उजागर, श्री हनुमते नमः स्वाहा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री हनुमते नमः स्वाहा। ऐसे अपनों को बीच बीच में हनुमान जी का नाम लेकर के हवन करते रहना चाहिए। तो यह था हनुमान जी के माध्यम से आप ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, घर की चौकी या फिर कोई मुठ करनी, खिलाई पिलाई, ये सब चीज आप स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं। किसी तांत्रिक के पास आने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर के यह कार्य करें। मंगलवार शनिवार का व्रत उपवास रखें और जैसा कि बताया गया है, नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। गेहूं और गुड़ का ही प्रयोग करें भोजन में केवल, और किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। एक समय ही भोजन करना है। मनोजो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का अर्थ होता है, हे मनोहर, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, श्री रामदूत, हम सभी आपकी शरणागत हैं। क्योंकि जब तक आप किसी भी शक्ति से काम कराना चाहते हो, आप किसी भी शक्ति से काम करवाना चाहते हो, तो पहले उनकी शरणागत जाना पड़ता है। क्योंकि जब तक शरणागत नहीं होगे, जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पण भाव से नहीं होगे, आपके जीवन में उस शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए श्री रामचंद्र जी की शरण में जाना है तो आपको पहले शरणागत होना ही पड़ेगा, यानी कि यह मंत्र आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय जय सियाराम, जय हनुमान। क्योंकि बार बार यदि आप जय सियाराम जय हनुमान बोलोगे तो निश्चित तौर से बजरंग बली की भी कृपा प्राप्त होगी ही होगी, यह मान करके चले। ओम ओम हनुमान जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जितना लिखा जाए उतना कम है, और जितना सोचा जाए उतना कम है। तो निश्चल भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, समर्पण भाव से हनुमान जी की पूजा करें और सपरिवार करें, तभी यह फायदा होगा। और सपरिवार ही हनुमान जी की सेवा करें तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें, अपनी कामाग्नि पर नियंत्रण रखें, और एक दिन पहले और एक दिन बाद तक स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। घर में हमेशा शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म से युक्त स्त्री, यानी जो स्त्री घर परिवार में होती है, चाहे लड़की हो, बहू हो, पत्नी हो, यदि वह मासिक धर्म से होती है तो मासिक धर्म के दौरान उससे चार दिन किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए, तो ही आपको हनुमान जी की सेवा करने का फल प्राप्त होगा। अन्यथा फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूं रें रोम रम रह श्री दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रजतुलकल पिंगल ऊर्ध्वकेश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोद्धसोटकट महाकरालिनी महादळबंध महारीन लंकेचरदाय महाशेतुबन महाशैलप्रभा गंगचरै भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञापति है महारोद्ध दीर्घ पुष्टे वैष्णव वर्णम बंजे बंजे हूं पट स्वाहा।
भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल पर तंत पर मंत पर यंत सर्व ग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन बंजे बंजे शिक्षा शिक्षा खादे खादे मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाशे नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम भट ओम रीम भट स्वाहा। ये भी हनुमान जी का रक्षा कवच मंत्र है, भूत प्रेतों से रक्षा करने का मंत्र है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय सियाराम, जय हनुमान। यदि आपको हनुमान जी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके आप वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय मां कामाख्या। हनुमान जी का बीज मंत्र मूल मंत्र होता है जो कम मनुष्य बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह, यह हनुमान जी का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। इस ये बोलने का मतलब है आपने हनुमान चालीसा 10 बार पढ़ लिया,